सफल होगी तेरी आराधना। लीजिए ना चाय लीजिए। हाथियार दीवारे देवा, इतना सारा तोहफा। हे देवा, अगर बाबा अभी विलास पर फट पड़ेंगे तो बाद में ये हम सबको फाड़ डालेगा। और अगर विलास ने बाबा को मेरा वो राज बता दिया तो मैं अपने आप फट जाऊंगा। बाबा गुस्सा थोड़ा संभाल के एना मारू शायद। दो दो बेटियों का दादा होने के नाते रिश्ता ले आने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। हमकी आराधना काशी से छोटी है, लेकिन हमारे घर में बड़ी बेटी की शादी किए बिना छोटी बेटी का रिश्ता तय नहीं करते। काशी की शादी होने के बाद ही मैं आराधना के बारे में सोचूंगा, इसलिए अभी के लिए क्षमा चाहता हूं। एकदम बरोबर बोल रहा तुम्हें। मैं समझ सकता हूं ऐसे अचानक से किसी का प्रस्ताव आएगा तो, और वो भी विलासराव का, तो फ्यूज तो उड़ेगा ही ना। लेकिन क्या है, लड़की है, शादी तो करना होगा, और वो शादी जल्दी हो जाएगा ना उतना अच्छा है, टेंशन खत्म है कि नहीं। राय जीवन काका काका मालूम है मेरे को, ये थोड़ा स्वीकारने में ना टाइम जाएगा। लो आप पूरा टाइम लो, आप थोड़ा विचार करो, सोचो, एक दूसरे से बात कर लो, वेट करेगा मैं। और हाँ, ये गिफ्ट लाया मैं, इसको शगुन समझो या गुड लक, जो समझना है समझ लो, रख लो। अरे आपने तो कुछ खाया नहीं, लीजिए ना भाकर वड़ी आपकी। मेरा मतलब है हमारी आराधना ने बनाई है, खाइए ना। खाना मेरा, डब्बा मेरे, हाथ मेरे, ये साइकिल भी मैं चलाती हूँ, और ये सड़क तो सरकार की है, तो फिर आपकी कैसे हो गए पैसे? ये तो मैं, जल्दी मिलते हैं। बाबा ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन ये तो खुश होके गया है। ये विलास समझा कि नहीं, पर विलास हमेशा वही समझता है जो वो समझना चाहता है। अब क्या होगा? टमाटर ले लो, पालक ले लो, फुलावर ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। भैया पालक कैसे दिया? लो ना भाई, दो दे दो, ये भी दे दो आधा किलो। चलो। अरे ये क्या दे रहे हो भाई? अरे इसे पैसा कहते हैं, तू मांगेगा वो मैं नहीं दूंगी, जो मुझे देना है वही मैं दूंगी, लो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये भी क्यों दे रहे हो? Thank you.
काकी, चलिए मैं खाना परोस देती हूँ। तू रहने दे, मैं करती हूँ। बाबा, क्या? अब बोली खाना परोस रही है, पक्का है। सिर्फ खाना नहीं परोसेगी। आप भी लो। बाबा, मी का विचारत होते कि वो जो विलास ने हमको सोचने का समय दिया है, मतलब हमने ही उसे समय दिया सोचने का, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ही ना। अब मुंह पे सीधा सीधा तो हम उसको मना नहीं कर सकते ना। माटी का पुतला नहीं है कि तला जिसको जो चाहे वो आकार दे दे। ध्यान दे बाबा, अजून एक विचार तर केला पाहिजे। नहीं, अरे चुपचाप से गटक रहे हो, बोलने को नहीं आता है, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनो, सब सुनो। कान दिए सुनने के लिए ना, वैसे ही जुबान दिए बात करने के लिए। बोलो। बाबा, मतलब रिश्तेदारी से देखे ना तो विलास अच्छा लड़का है। लड़का तो है, अब शादी के बाद अच्छा भी बन जाएगा। सभी अच्छे बनते हैं। नहीं मतलब वो वसूली करता है, मारा मारी करता है, लेकिन बाबा जवानी में तो सभी करते हैं ना। शादी के बाद हर कोई शेर से शेरू हो जाता है। मुझे कुत्ता बोल रही है। मुझे मालूम है, थोड़ी दारू पी तो, पर जवानी में तो सभी पीते हैं दारू, है ना। शादी के बाद छूट जाती है। इसकी नहीं छूटी, पर वो उसकी बात अलग है। मुझे इतनी बात मालूम है कि वो अच्छा कमाता है और इस चाल में ना उसकी इतनी बड़ी इज्जत है। अरे उसके नाम से ना सब कांपते हैं, कांपते सगड़े। बस कर बोली, अब आगे बोलेगी तो बाबा के सब्र का सिलेंडर फट जाएगा। क्या क्या हो गया? क्या अभी भी कुछ उसके तारीफ में कुछ कहना है? मुझे जो भी कहना था मैंने उसके मुंह पे कह दिया है। उसने टाइम दिया होगा, मैंने टाइम नहीं मांगा। जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा आप समझ नहीं रहे, अपनी लड़की कौन सी ऐसी जन्नत की हूर है। हा? ना चेहरा है, ना पढ़ी लिखी है, ना अकल है, क्या मिलने वाला है उसे। हा? कम से कम ये लड़का अच्छी तरह से उसको खिलाएगा पिलाएगा, जैसे वो किसी और के साथ, जैसे प्रकाश सुभाष वैसे विलास के साथ निभाएगी ना। है क्या उसमें? अपनी बेटी को ना कोई ऐसे घोड़े पर बैठकर राजकुमार नहीं आने वाला है लेने के लिए। अभी अभी जवान है, बच्ची है, तो निपट लेगी। कल को उम्र बढ़ेगी ना तो कोई नहीं पूछने वाला। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी बेटियों के लिए कोई राजकुमार चाहिए, लेकिन कम से कम ईमानदार होना चाहिए। ऐसा लड़का जिसके अंदर संस्कार भरे हो, जो अपने रिश्तों को समझे और सारी जिंदगी ईमानदारी की रोटी खिलाए।
संस्कार, ईमानदार, इज्जतदार, इस सब की ना ये कीमत है। ये सबको मिलाकर ना दो वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। आपके अंदर तो ये सारे गुण कूट कूट के भरे थे, फिर आपकी ऐसी हालत क्यों हुई? सिसक सिसक के काटी है मैंने अपनी जिंदगी, पर अब मैं ये आगे नहीं होने दूंगी। और तुम चुंबक की तरह जुबान चुपक गई है क्या? मैं तो बस इतने कहूंगा बाबा, वो विलास उल्टी खोपड़ी का आदमी है, उसके मन में एक बार जो बात आ गई वो फिर किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी पूरी करके ही मानता है। हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा बाबा, इसीलिए वो अब समझ आया तेरा सारा खेल। तेरा उस विलास के साथ मैटर चालू था, तू उसको लाइक करती है, उसको पसंद करती है, इसलिए तुझे मेरा उससे बात करना पसंद नहीं आया। हाँ, उस रात को तेरा प्लान था उसके साथ जाने का, इसलिए तू मुझे मना कर रही थी, और जब मैं नहीं मानी तो तूने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दिया। वाह अरु वाह, है तो तुझे घूंगी गुड़िया समझ रही थी, तू तो पूरी की पूरी एनाबेला निकली। हाँ वैसे ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई तूने उसे कि सीधा शादी का रिश्ता लेकर घर ही पहुंच गया हो? नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं जानती नहीं थी कि वो। दी मेरा विश्वास करो ना, मैंने आज तक कभी उससे बात भी नहीं की है, पता नहीं वो क्यों। बस 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 कर आरू, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, टेंशन नको, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, उल्टा मैं तो खुश हूँ तेरे लिए। देख, हो सकता है कि तुझे तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तेरे नजरिए से तुझे लगा हो कि मैं विलास को पसंद पसंद करती हूँ, मुझे ना तेरे उस विलास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे यूज कर रही थी। वैसे भी मुझे ना लाइफ से बड़ी चीजें चाहिए, जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना, जो कि मैं बहुत ही जल्दी बनने ही वाली हूँ, तो किसी मस्त से हीरो के साथ चक्कर चलाऊंगी। विलास विलास जैसे लोग तो वैसे भी मेरे लेवल के नहीं है, लेकिन हाँ तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब पैसा है, पावर है, शादी के बाद तुझे ये घर घर जाकर डब्बा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौल की एकदम रानी बनकर रहेगी तू, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वाह काशी, जिस चीज की समझ ना हो उस बारे में बोलने से पहले सोच लिया कर, और अपनी जुबान को अपनी उम्र के हिसाब से चला। दादू, आज विसर्जन के टाइम पर जो कुछ भी हुआ था ना, वो पता नहीं कैसे हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला दादू, मैं सच कह रही हूँ, आप तो मेरा विश्वास करो ना, मुझे मालूम है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, मुझे भी नहीं लगा, पर मुझे माफ कर दो दादू, मुझे माफ कर दो, मैंने देखिए मेरी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है सर, किसी पेपर्स के लिए, और कोई डाउट भी नहीं है, तो कल हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, ये कॉपी आपके लिए। ओके थैंक यू, ठीक है, नमस्ते। देख लीजिए आप।
अरे ये आज फिर मिल गए, अब क्या करूं? अब आराधना यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ। देखो कल जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मतलब एक कंफ्यूजन थी और वो बढ़ती जा रही थी। दरअसल मुझे लगा कि तुम सरोगेट कैंडिडेट हो, फिर जाके इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम तो टिफिन डिलीवरी के लिए आई। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्या सरो ये क्या है? ओ सरोगेसी, सरोगेसी मतलब तुम बस ये समझो कि अगर कुदरती तौर पे हस्बैंड और वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते तो किसी और चीज का सहारा लेते हैं, किसी और से मदद मांगते हैं, उसी में गलती हो गई। कल कुछ गैर कानूनी बात बता रहे थे और अब गलती कह रहे हैं, और ये प्रेगनेंसी, ये देवा, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ठीक कैसे है, ठीक हो जाए इसलिए तो मैं सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी क्षमा। सॉरी का मतलब मुझे पता है, लेकिन ठीक है। ठीक है तुम अंदर आना चाहती हो? नहीं नहीं अब कभी अंदर नहीं आऊंगी, मैं यही ठीक हूँ। ओके मैम। तू किसी से बात कर रही थी क्या अभी? हाँ मैं किसी को जाते वक्त देखा, कौन था वो? तेरे से पूछ रहा है, स्टैचू की तरह काय को खड़ी है, कौन था वो? वो इस मकान के मालिक थे, ऑर्डर की बात कर रहे थे। ये देखिए जो भी है तू एक बात समझ ले, अभी अपना शादी होने वाला है तो ये ऐसा मर्दों से बात बात करने का ना सब बंद करने का। और हाँ ये सब ये डब्बे वब्बे का सब है ना, ये भी सब अपन बंद कर देगा। मेरे को ना नहीं पसंद आता है मेरी घर वाली ऐसा डिब्बा विब्बा लेके बाहर रस्ते पे घूमे। तेरे को घूमने का है ना, तेरे को कहीं जाने का है, बाहर जाने का है, मेरे को बोल, मैं लेके जाएगा ना तेरे को। चल अभी बाहर चल, चल बाहर जाते, आजा। अरे क्या सोच रही है तू, जिंदगी बदलने वाली है तेरी, मेरी बीवी बन के राज करेगी राज। क्या तू भी इतना नहीं सोचने का, तू ना ये समझ ले तू वो डिब्बे में वो सलाद कोशिंबीर, वो कोशिंबीर के लिए टमाटर काटते काटते बाद में वो खीरा काटते काटते ना तेरे हाथ में हीरा लग गया है, हीरा। बस एक बार ना शादी हो जाए फिर है ना अपन। पर दादू ने तो मना किया था ना। दादू से थोड़ी शादी करने गए मेरे को कि उसके परमिशन का वेट करूं। हाँ गजानन भाऊ, गजानन भाऊ। अरे ताज हालो क्या है? अरे आप इधर है, वहाँ पर वो विलास। विलास क्या? वो विलास अपनी अपनी आराधना के साथ जबरदस्ती कर रहा है और पता नहीं क्या बातें हो रही है उनके बीच में। अपनी आरू एकदम परेशान लग रही है वहाँ पे। क्या तू रोका नहीं? अरे कहाँ है मेरी आरू? अरे वो वहाँ फूल वाले सिग्नल के पीछे वाली गली में वहाँ पर है वो, जल्दी चलो। तो तुझे उसे रोकना चाहिए था ना, यहाँ क्यों चला आया तू? अरे मैं भला अकेला कैसे रोक सकता हूँ उसको, आप लोग चलिए जल्दी। थम्बा थम्बा थम्बा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? विलास बात करने गया है अपने आरू से। बात करने गया? क्या मतलब क्या है तेरा? मेरे को पता है तू मेरे को लाइक करती है। दादू ना अभी थोड़ा बुड्ढा हो गया, थोड़ा थोड़ा दादू स्लो हो गया, उसको है ना सब बातें है ना थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। अभी उसके चक्कर में अपन स्लो स्लो बढ़ेगा थोड़ी ना चलेगा। देख तू परेशान मत हो, वो दादाजी को राजी करने का ना मेरा काम है। वो क्या है ना विलासराव जो चाहता है ना उसको राजी होना ही पड़ता है। सुनना तू ये सब बात छोड़ दे, मैं ना मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट? हाँ वो पर थोड़ा पर्सनल है ना, वो सबके सामने कैसे देगा। कब से जेब में लेके घूम रहा हूँ पता है क्या? ये देख अंगूठी, रिंग लाया मैं तेरे लिए।
चल चल आजा जल्दी आ चल। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी दादू, काकी सब गुस्सा करेंगे। ए रुक, छोड़ 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 छोड़, अरे डब्बे निकाल, डब्बे डब्बे डाल दे अंदर, चल ये देख, फिजूल का बातें मत करा। मेरी बात सुन, अपन किधर तो जाते हैं, दो मिनट बैठते हैं, दोनों बैठ के बातें करते हैं, फिर मैं तेरे को तेरे चौल में छोड़ देगा। ये देख, मेरे को गुस्सा मत दिला।